हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श आईएएस एकेडमी। गाइस, आप सभी लोगों से अन अकेडमी के कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज हम। तो चलिए आइए देखते हैं, और आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आगे जो क्वेश्चन लाए हैं वो सॉल्व करेंगे, जो कि हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कोर्स के बारे में। अन अकेडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट एमपीपीएससी प्रीलिम 2022, प्री मॉक टेस्ट फरवरी 2022। नेक्स्ट है आपका अन अकेडमी करेंट अफेयर्स प्री टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट सी सेट फ्री प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट एमपीपीएससी मेंस फुल लेंथ फ्री मॉक टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 फ्री सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट है आपका टारगेट 140 प्लस प्रीलिम्स 2022 मॉक टेस्ट सीरीज फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट है एमपीपीएससी एमपीजीके ब्रह्मास्त्र वीकली रिवीजन टेस्ट सीरीज फरवरी 2022। नेक्स्ट है आपका 8 मंथ फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस हिंदी मीडियम। ये बैच आपका 16 फरवरी 2022 से स्टार्ट है। नेक्स्ट है आपका टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 60 डेज स्प्लिट बैच हिंदी मीडियम। ये बैच आपका 18 फरवरी 2022 से स्टार्ट है। नेक्स्ट है एमपीपीएससी इंटरव्यू गाइडेंस बैच। ये बैच आपका 12 फरवरी 2022 से स्टार्ट है। गाइज, ये सारे बैचेस आपके जनवरी 2022 में स्टार्ट हुए हैं। इसमें से आपके ये बैचेस जो हैं, इनफैक्ट ये सारे बैचेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं। एक बैच आपका 25 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को अगर सब्सक्रिप्शन चाहिए अन अकेडमी पे, इसके लिए यहाँ पे पीजी लाइव रेफर कोड दिया हुआ है। इस कोड का आप यूज करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो आप सभी लोग पीजी लाइव रेफर कोड का यूज करना ना भूलें। तो चलिए आइए देखते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उस पर हम ध्यान देते हैं, जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, वर्ण सागर बांध परियोजना किस नदी पर बन रही है? ऑप्शन है गोदावरी नदी पर, सोन नदी पर, नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सोन नदी पर। वर्ण सागर बांध की परियोजना किस नदी पर बन रही है? तो सोन नदी पर। नेक्स्ट है, उदयगिरि की गुफाओं एवं सिगवा के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है गुप्त वंश, चंदेल वंश, राष्ट्रकूट वंश, नागवंश। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, गुप्त वंश। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की सहायक शाखाएं कहाँ हैं? ऑप्शन है रीवा एवं इंदौर, दमोह एवं टीकमगढ़, ग्वालियर एवं इंदौर, भोपाल एवं दतिया। इसका आंसर हो जाएगा सी, इज द राइट आंसर आपका ग्वालियर एवं इंदौर। नेक्स्ट है, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रीवा, सागर, भोपाल, छतरपुर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, रीवा। नेक्स्ट है, इंदिरा सागर बांध खंडवा का संचालन किस कंपनी संस्था द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन है, ए है ऑप्शन सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, बी है नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, सी नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक विकास निगम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बी इज द राइट आंसर। क्या होगा आपका? नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट है, सतपुड़ा की शैल मालाओं से घिरी पचमढ़ी जो पर्यटकों का स्वर कहा जाता है, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके ए छतरपुर, बी रीवा, सी होशंगाबाद, डी खंडवा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए छतरपुर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राजा ने, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, निम्न में से किस राजा ने देवानाम प्रियम की उपाधि धारण की है? तो ऑप्शन दिया हुआ है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, विष्णुगुप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए अशोक। अशोक को किस नाम की उपाधि मिली है? देवानाम प्रियम की उपाधि मिली है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, सतपुड़ा की रानी के नाम से संबोधित किया जाता है? ऑप्शन है चित्रकूट को, अमरकंटक को, पचमढ़ी को, मांधाता को। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पचमढ़ी को क्या कहते हैं? सतपुड़ा की रानी, जो कि हिल स्टेशन है आपका। नेक्स्ट है, गोंडों के नारायण देव के सम्मान में मनाया जाने वाला यह पर्व
सुअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन है आखाती, संज्ञा, लारुकाज, तुआरा। इसका आंसर क्या होगा? सी, लारुकाज। नेक्स्ट है, मध्य भारत के पठार के पूर्व में रीवा पन्ना के पठार के पश्चिम में एक और पठार स्थित है, उसका नाम है? ऑप्शन है ए दंडकारण्य का पठार, बी बघेलखंड का पठार, सी मालवा का पठार, डी बुंदेलखंड का पठार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा इसका बुंदेलखंड का पठार। तो गाइज आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन की हमारी जो सीरीज है वो यहाँ पे कंप्लीट हुई। तो अब चलिए चलते हैं, और आप सभी लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी में जो आपको कोर्स परचेस करना है उसके लिए आप सभी लोग पीजी लाइव जो रेफरल कोड दिया हुआ है इस कोड का यूज करना ना भूले, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।